नमस्ते इंडिया, मैं हूँ सैम सैमेंजर्स हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि बालों में क्रिम्पिंग कैसे करें। चलिए पहले ये बता दूं क्रिम्पिंग करते क्यों हैं। क्रिम्पिंग आजकल हेयरडू से पहले बहुत नेसेसरी हो गया है। आजकल के जो नए हेयरडूज हैं, नए स्टाइल्स हैं, उनके लिए क्रिम्पिंग बहुत जरूरी है। क्रिम्पिंग करने से हेयरडू में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है और होल्डिंग में भी बहुत आसानी होती है। दूसरा, जिनके बाल बहुत लिम्प है, कम है, फाइन है, पतले हैं, उनके लिए तो ये वरदान के जैसे हैं। फाइन या पतले बालों को अगर आप ब्लो ड्राई या आयरन करते हो तो वो और कम नजर आते हैं। ऐसे क्लाइंट्स के लिए आप ये सजेस्ट कर सकते हैं क्रिम्पिंग करना, क्योंकि क्रिम्पिंग से बाल 3 गुना ज्यादा नजर आते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैसी लुक आता है, लेकिन आप क्लाइंट को बताकर, उनको दिखाकर आप ये कर सकते हैं, उनके लिए एक नया स्टाइल बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्रिम्पिंग करते वक्त हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले, सर्विस शुरू करने से पहले आपको शैम्पू करना है। क्लाइंट के बाल क्लीन होना बहुत जरूरी है, इसीलिए शैम्पू इज अ मस्ट। शैम्पू के बाद में कंडीशनर ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। बालों को कंडीशनर करना ना भूले। कंडीशनर के बाद में टॉवल ड्राई करके उसके ऊपर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे या फिर सीरम लगा सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, वेला, लॉरियल, स्कॉचकॉफ, किसी भी कंपनी का। इसके बाद हम बालों को 100% ड्राई करेंगे फिंगर ब्लास्ट करके। यस, 100% ड्राई होना बहुत जरूरी है। कोई भी आयरन या क्रिम्पिंग या टोंग्स करने से पहले बालों को 100% ड्राई करें। अगर बाल थोड़े से वेट या मॉइस्ट रह जाएं या डैम्प रह जाएं, तो आपकी मशीन भी खराब हो सकती है और उससे ज्यादा बाल खराब होंगे। क्रिम्पिंग शुरू करने से पहले क्लाइंट के बॉडी पे टॉवल रखना ना भूलिएगा। ये हमारा बिफोर एंड आफ्टर का लुक। आप देख सकते हैं आफ्टर में कितने ज्यादा बाल लग रहे हैं। ये हमारे सेक्शंस, टॉप सेक्शन, रेडियल एंड प्रोफाइल, 5 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है हमने। हम स्टार्ट करेंगे साइड से हम स्टार्ट करेंगे ईयर के पास से। हम 1.5 इंच सेक्शन लेंगे, बाकी के बालों को सेपरेट करके रखेंगे। कोम करेंगे पहले एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रूट्स। रूट्स ध्यान रखिएगा कानों के पास में, क्योंकि क्लाइंट को हीट नहीं लगनी चाहिए। सो बी केयरफुल, आप अपने क्लाइंट को ईयर को होल्ड करने के लिए भी बोल सकते हैं। अगेन, सेक्शंस बहुत नीट होंगे। कोम करेंगे हम हर सेक्शन को ताकि टैंगल फ्री हो एंड होल्ड करेंगे 2 फिंगर्स के बीच में। रूट्स आप देख रहे हैं, रूट्स के पास में किया है लेकिन स्कैल्प को टच नहीं किया है। मशीन को स्कैल्प को टच नहीं करेंगे हम, क्योंकि कई बार होता है कि मशीन बाहर से भी गर्म हो जाती है और स्कैल्प जलने का चांसेस होते हैं। स्कैल्प के पास में हम सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रखेंगे और लेंथ में हम रखेंगे 3 से 4 सेकेंड्स के लिए। थिक बाल हैं तो 4 सेकेंड्स के लिए और थिन पतले बाल हैं तो 2 से 3 सेकेंड्स के लिए। रूट पे लेकिन हमेशा 1 सेकेंड के लिए ही रखेंगे ताकि हीट बहुत ज़्यादा ना हो और क्लाइंट का स्कैल्प ना जले। कैन यू सी द वॉल्यूम नाउ? वाओ! वैसे ही दूसरे साइड्स पे अगेन ईयर से स्टार्ट करेंगे हम। क्लाइंट के कानों को बचाकर प्लीज, कानों पे हीट नहीं जानी चाहिए। आप अपने क्लाइंट को कानों को होल्ड करने के लिए भी बोल सकते हो। बेबी हेयर को अलग रखिएगा। बेबी हेयर्स को आप इंक्लूड ना करें, नहीं तो वो खड़े हो जाएंगे। साइड्स के जो बेबी हेयर हैं, छोटे छोटे बाल हैं, उनको इंक्लूड ना करें मशीन में। अगेन, वेरी नीट सेक्शंस। अगर पतले बाल हैं तो आप थोड़े मोटे सेक्शंस ले सकते हैं। कोम करके 2 फिंगर्स के बीच में पकड़ के एंड स्टार्ट विद दी रूट्स। यू कैन सी, प्रेस करना है क्रिम्पिंग मशीन को। मशीन को स्कैल्प पे टच होने ना दें। स्कैल्प के पास सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रखना है एंड यू कैन सी द वॉल्यूम।
ये जो क्रिम्पिंग आयरन हमने यूज करी है ये 2 इंचेस वाली है, ब्रॉड है, इससे पतली भी आती है लेकिन पतली से काम जल्दी नहीं होता, ब्रॉड होता है तो काम जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इसलिए ये यूज करी है। इसके बाद में ये जो है प्लेट, ये सिरेमिक कोटेड प्लेट है, इससे बाल डैमेज नहीं होते, सो ऑलवेज टेक सिरेमिक कोटेड प्लेट्स। इसके बाद में जो क्रिम्पिंग आयरन की जो वायर होती है उसको लंबी लें, हमेशा कोई भी आयरन या टोंग कोई भी आप यूज करो, वायर हमेशा लंबी होनी चाहिए ताकि वो आपके मूवमेंट को रोके ना, आप इजीली दूर भी जाकर काम कर सकते हो। क्रिम्पिंग आयरन की जो ये प्लेट होती है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, ये जिगजैग होती है, इसीलिए हमें वो टेक्सचर मिलता है। क्रिम्पिंग मशीन की टेम्परेचर सेटिंग कुछ ऐसे होगी, थिन बाल यानी के पतले बालों को 180 to 190, मीडियम बालों को 190 to 200 और थिक यानी के मोटे बालों के लिए 210। अगर ये इफेक्ट आपको कर्ली या फिर वेवी बालों के लिए चाहिए तो उससे पहले आपको उनको स्ट्रेट ब्लो ड्राई या फिर आयरन करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्रिम्पिंग मशीन यूज कर सकते हैं। क्रिम्पिंग करते वक्त ये याद रखिएगा कि जो आयरन है, जो मशीन है, वो स्काल्प को टच नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मशीन्स हैं जो बाहर से भी गर्म हो जाते हैं और फिर स्काल्प को टच होके वहां पे जल सकता है, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, ऐसे मशीन्स ना खरीदें जो बाहर से भी बहुत गर्म होते हैं। क्रिम्पिंग का जो इफेक्ट है वो अगले वॉश तक रहेगा, मतलब वॉश करने के बाद में ये चला जाएगा और जो बाल है वो अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे। अब आते हैं टॉप के सेक्शन पे, 90 डिग्री पे हम करेंगे सेक्शन को होल्ड, हम 90 डिग्री पे करेंगे, आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो हेड का शेप है वो राउंड में है तो साइड्स के बाल रह जाते हैं, तो हम कॉर्नर्स को पहले करेंगे और फिर सेंटर से लेके ऊपर जाएंगे। पहले कोम करेंगे, 2 फिंगर्स में होल्ड करेंगे, साइड्स में भी कवर करेंगे ताकि पूरे बालों को आयरन हो, आप फ्रिंज एरिया को छोड़ भी सकते हो। There you see, there she is. Beautiful. कितने heavy लग रहे हैं बाल। I hope आपको ये वीडियो देखने के बाद में क्रिम्पिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो देखते रहिए और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही नॉलेज बांटने से बढ़ती है, because we rise by lifting others. So see you all in our next video. Take care. This is Sam signing off from Sam and Jess Hair and Makeup Academy, Mumbai. Take care. Bye bye.